नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर अग्रवाल फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर और इस नए बिजनेस आइडिया में। गाइज, मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जो कि बहुत धमाके से चलने वाला है। वो बिजनेस अधिकतर लोगों को पता नहीं है, यानी कि इस बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत कम है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर अभी अभी अगर उतरते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। गाइज, मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही कुछ कम इन्वेस्टमेंट में और हाई प्रॉफिट वाले बिजनेस आपके लिए रिसर्च करके लाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दूँ। गाइज, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मशीनरीज कहाँ से खरीदें या कोई भी चीज़ इस बिजनेस के बारे में आपको बताता था उससे रिलेटेड कमेंट बहुत सारे आते थे आपको। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप मेरी जो वीडियो है लास्ट तक ज़रूर देखें। आप अगर लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको बिजनेस के बारे में, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, मशीनरीज कहाँ से परचेज करनी है, सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप या तो वीडियो को स्किप कर देते हैं या लास्ट तक नहीं देखते। इस कंडीशन में आपको इस बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आता, आपको पता नहीं चलता मशीनरीज कहाँ से खरीदनी होती है और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदने होते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप देख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है उसे करने में, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए। आप ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देख सकते हैं, क्या पता आपको और बेटर नॉलेज इस बिजनेस के बारे में मिले और आप उस बिजनेस को अच्छे से करके सक्सेसफुल हो पाए। दूसरी बात, मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर कोई बिजनेस में आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने मार्केट में देखें कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वो प्रोडक्ट आपके एरिया में चलने वाला है या नहीं चलेगा, या फिर वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर उसका कोई यूज है ही नहीं। तो आप उस प्रोडक्ट को देखिए, मार्केट को देखिए, रिसर्च करिए, उसके बाद ही उस बिजनेस को स्टार्ट करिए। गाइज, मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ जो कि मात्र 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर से। ना ही आपको कोई मशीनरीज परचेज करनी है, ना कुछ और परचेज करना है। आप अगर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहीं पर आप इस बिजनेस को करके 5 से 6 हज़ार रुपये इजिली कमा सकते हैं। यह बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में मानसून आने वाला है, देश के हर एक कोने में बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकल के आती है, मच्छर की प्रॉब्लम। यानी कि जो मस्किटोज होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं इस टाइम पर और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाते हैं। मच्छरों के कारण हमें मलेरिया, डेंगू, काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। इसी से बचने के लिए हम आपको एक बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। अगर ये बिजनेस आप करेंगे तो आप उस बिजनेस से एक ऐसा ही प्रोडक्ट बना के तैयार करोगे जो कि लोगों की हेल्प करेगा और आपको अर्निंग भी देगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो गाइस, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और करते हैं इस बिजनेस के बारे में बात। गाइस, जो बिजनेस होने वाला है, ये है बिजनेस का नाम अगर मैं बताऊं तो ये है प्लास्टिक मस्किटो नेट बिजनेस। यानी कि आपको ये प्रोडक्ट बना के तैयार करना है और लोगों के घर में जाके आपके इंस्टॉल करना है। तो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या होने वाला है, रॉ मटेरियल कहां पे मिलेगा और जो रॉ मटेरियल है उसे हम कैसे यूज करेंगे और जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे उनको हमारी सर्विस सेल करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होने वाला है। गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रॉ मटेरियल की। तो गाइस, इसके अंदर आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, 3 चीज़ आपको इसके अंदर चाहिए जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर आप मार्केट में जाके भी खरीद सकते हैं। पहला जो रॉ मटेरियल है वो है प्लास्टिक नेट, दूसरा है वेलक्रो और तीसरा है ग्लू। यानी कि आपको ये सिर्फ 3 चीज़ों के अंदर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनके तैयार होगा। सबसे पहले मैं आप बात करता हूं कि आपको प्लास्टिक नेट लेनी है जो कि आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर आप मार्केट से भी उसे परचेज कर सकते हैं। आपको जो प्लास्टिक नेट खरीदनी है वो 10x5 फिट की आपको खरीदनी है। अगर आप खरीदते हैं तो यूजली जो घरों में खिड़कियाँ होती हैं वो खिड़कियाँ होती हैं 4x4 की। यानी कि आप अगर 10x5 का एक नेट खरीदते हो तो आप वो एक सिंगल नेट 2 खिड़कियों पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में जो आता है वो है वेलक्रो। वेलक्रो के पीछे आपको ग्लू गन लगानी है और खिड़की के साइड में उसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको बस नेट को वहां पर उसके ऊपर लगा देना है। वेलक्रो के सहारे वो चिपक जाती है और यहां पर बस इतना सा ही काम है आपका, आपको बस इतना ही इंस्टॉलेशन करना है और आप उनसे इसके बदले में एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। अब गाइस, बात कर लेते हैं कि जो कस्टमर है वो हमको कहाँ मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि आप पहले अपने आसपास लोग
लोगों को इस बारे में बताएं कि ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और इससे ये प्रोडक्ट बन के निकलता है जो कि ये प्रॉफिट्स हमको देगा। अगर इसके प्रॉफिट्स आप कस्टमर को अच्छे से बता पाए तो वो 100% आपसे आपकी सर्विस परचेज कर लेगा, यानी कि आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, अपने घर में इंस्टॉल करवा लेगा। यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ कि दूसरे तरीके से है कि आप जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं उन पर डोर टू डोर जाकर आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट है, इसके लगाने से आपके घर के अंदर मच्छर नहीं आएंगे और साथ ही साथ जो पक्षी जो होते हैं वर्ड्स होते हैं वो भी अंदर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार आप इस बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, इस प्रकार आप अपने कस्टमर अपने आप से जोड़ सकते हैं। एक बार बस आपको स्टार्ट करने की देरी है, अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। यहीं पर मैं बात करूं, जब आप रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे तो उस रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी होने वाली है, 1000 रुपये के अंदर आप 10x5 का एक प्लास्टिक नेट खरीद सकते हैं, इसी के साथ आप उसमें बेलक्रो भी खरीद पाएंगे और एक जो ग्लू है वो भी आप खरीद पाएंगे, यानी कि 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको करना है। आपको जाना है कस्टमर के पास, उसको प्रॉफिट बताने हैं, ऑर्डर लेना है उनके घर में इंस्टॉल करने के लिए और उसके बाद आपको अमेजोन से ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आपको रिसीव हो आप उनके घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आप चाहे तो जीरो इन्वेस्टमेंट में भी इसे कह सकते हैं क्योंकि आप एडवांस में भी कस्टमर से पैसा ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँ आपको मिनिमम 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा क्योंकि अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वो और अच्छे से यकीन कर पाएगा और अच्छे से समझ पाएगा आप क्या प्रोडक्ट उनको देने वाले हैं उसके बारे में। अब यहीं पे बात कर लेते हैं प्रॉफिट की कि इस बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होने वाला है वो क्या होने वाला है। इस बिजनेस के अंदर गाइस अगर आप ये रॉ मटेरियल बात करूँ तो यहाँ पर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, 4x4 की यूजली हमारे घर की खिड़कियाँ होती हैं, यानी कि एक नेट 2 खिड़कियों पर यूज हो सकता है और यहाँ पर एक कस्टमर से जो आप चार्ज करने वाले हैं वो आप 1 स्क्वायर फीट का 100 रुपये यहाँ पे चार्ज करेंगे तो आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट होगा। 2 खिड़कियों पर अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आप कस्टमर से 5000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रॉफिट की बात बताई। अब मैं बात करता हूँ कि बिजनेस आप इस टाइम पर वो ही बिजनेस करें जो कम लागत में हो, प्रॉफिट अच्छा हो और जो अर्निंग है वो इंस्टेंट हो, यानी कि लॉन्ग टर्म में नहीं हो। एक बार आपने पैसा डाल दिया उसके बाद आपको थोड़े दिन इंतजार करना पड़े, उसके बाद वहाँ से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो। इससे बढ़िया है आप आज इन्वेस्टमेंट करें, कल आपको रिजल्ट मिले, कल आपको रिटर्न में जो भी आपका अमाउंट है वो आपको मिल जाए। मैं आपके लिए बिजनेस की खोज कर ही रहा था कि आपको लो इन्वेस्टमेंट में कौन सा बिजनेस बताऊँ, तो ये बिजनेस मुझे मिला जहाँ पर मुझे लगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है इस बिजनेस की और ये बहुत धमाके से चलने वाला है इस टाइम पर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इन सारी चीज़ों से और मानसून अभी स्टार्ट हो ही रहा है। अगर आप इसे अभी से स्टार्ट करेंगे तो मानसून जब तक फुली तरीके से स्टार्ट होगा तब तक आप अपने काफ़ी सारे कस्टमर बना पाएंगे और एक बार आपने स्टार्टिंग में आपने 15 से 20 कस्टमर अपने बना लिए उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कस्टमर आगे से आएंगे और आपसे ये आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज करेंगे और अपने घर में इंस्टॉल करवाएंगे। गाइस इस बिजनेस के बारे में सच में किसी को नहीं पता और ना ही आपने इस बिजनेस के बारे में कोई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ ऐसे ही बिजनेस लाने के लिए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम भी कोई बिजनेस आइडिया ढूंढें हमें क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले फोकस करना होगा जो लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर कि लोग इस टाइम पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले फाइंड करनी है जो हमारे कस्टमर हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर उनको सोल्यूशन लेके आना है और अगर आप एक अच्छा बेटर सोल्यूशन लेके आए तो वो ही आपका बिजनेस होने वाला है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जानकारी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको इस बिजनेस के बारे में और क्या जानकारी चाहिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर नए बिजनेस आइडिया की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।